हमारे साथ जो जुड़े हैं इनका यूजर नेम है आह। यस आह साहब, अनम्यूट कर लीजिए। आह हाँ जी 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 आह मोमिन है आप? जी अभी तक तो मोमिन ही हूँ। अच्छा, कब तक रहने का इरादा है? जब तक मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाऊं मैं आप लोगों से। अच्छा, नमाज नमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ यार, मुझे आप लोगों ने तो बहुत डिफिकल्ट में डाल रखा है। अरे रे 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 रे, तो ये नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सूरे वूरे पढ़ते हैं आप? हाँ भाई सूरे उरे भी पढ़ता हूँ। कौन सा सूरा, जरा कोई सुनाइए। फातिया के अलावा कौन सा सूरा पढ़ते हैं? कौन सा सुनना चाहेंगे थोड़ा बताइए आप भी। आप एक हाँ काम करिए, सूरह यासीन सुना दीजिए। भाई सूरे यासीन तो पूरी मुझे आती नहीं, कोई और छोटी पूछ लो। तो आप इसी वजह से पूछना नहीं है भाई, सीधा जो आती है वो पढ़ के अच्छा अच्छा सुनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु ग़ुसाअन अहवा सनुक्रियुका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा वनुयस्सिरुका लिल्युसरा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख्शा ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। माशाओं माशाओं, क्या अहले हदीस है क्या भाई? उसकी मैं वजह अहले बताऊंगा कि मैं क्यों आपको पूछ रहा हूं, लेकिन ये बताइए, अहले हदीस है आप? अहले हदीस थे या अहले हदीस है? हदीस हाँ, आप बोलिए कि मेरे को कैसे अंदाजा हुआ कि आप अहले हदीस है। जी जी आपने मेरी क्लिप कुछ डाल रखी है। अच्छा, पहले आए थे क्या आप? जी जी मैं आया था। तो यार फिर से, आप तो तभी छोड़ दिए थे ना इस्लाम। अरे सर मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कि अच्छा यासिर यासिर वाजिदी का एक मैंने क्लिप सुना था, उसमें जो है वो आपने भी उनका काफी आपने भी डिबेट कर रखी है शायद उनसे, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने एक चीज बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी परेशानियां झेली, चाहते तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं और भी इतिहास में है उनके बारे में, कि भाई उनके बारे में के उनको उस टाइम में दौलत की भी काफी मतलब उनके सामने पेशकश की गई, और मतलब पूरी दुनियादारी की सब चीज उनसे पेशकश की गई और उन्होंने वो चीज ठुकरा दी जी। और उसके बाद फिर जो है आप ये बताओ कि भाई उन्होंने ये भी बोला कि भाई कुरान में जो है कोई सूरे आयशा सूरे खतीजा कोई इस तरीके का कोई नाम नहीं है, सूरे मरियम है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें दे रखा है उन्होंने। तो उससे तो क्या फर्क कहने पड़ता लगे है? भाई हाँ, तो कहने लगे भाई कि एक नबी इतनी सच्चाई के साथ में रहा और फिर उसके बाद तुम जो उसको झुठला रहे हो ये कैसे मुमकिन है, अगर अच्छा, चलो वो एक। मेरे को एक बात बताओ, हालांकि उस दिन आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे, आपका डर निकाल नहीं दिया क्लियर था। जी जी हाँ, मैं मुझे एक डाउट बात क्लियर है। बताओ। मैं नहीं मैं वाकई दुआ हुआ नहीं पढ़ता हूँ कुछ भी, मैं ठीक वैसे है ही अपना ठीक है, बिंदास अच्छा इस रहता हूँ। बात का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ कि, यानी मिसाल के तौर पे आपको एक ऑफर कोई दे रहा है कि भाई मैं तुमको, है ना, बंगला देता हूँ, ठीक अच्छा है। हाँ अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये बंगला लेके मैं खुश हो जाऊं, या तो इस बंगले को ठुकरा के एक मेरे पास बड़ा प्लान है जिसमें सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि मुझे बच्चियां भी मिलेंगी, और उसके बाद लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं अपना दर्जा खुदा से ऊपर बना कर दूंगा,
यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह से तो मैं तू ता से बात कर सकता हूँ, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह इतना रहम वाला है, लेकिन वही चीज मैं रसूल के लिए नहीं कह सकता, ए रसूल तू कितना अच्छा रसूल है, ए रसूल तू कितना प्यारा रसूल है ना। तो रसूल के लिए जब बात आएगी तो तू से काम नहीं चलेगा, अल्लाह के लिए तू चलेगा, रसूल के लिए, रसूलुल्लाह के लिए तू नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह के लिए हमें आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, रसूलुल्लाह के सामने हम अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते, नीची आवाज रखना है आपको। ये जब आयत रसूलुल्लाह ने अपने बारे में जब उतारी तो इसकी तफसीर में आता है कि सहाबा जो है वो बात करने के लिए डरते थे कि भाई कहीं हमारी आवाज जो है वो ऊंची ना हो जाए और हम कहीं कुरान के खिलाफ ना काम करने लग जाए। जी। तो आप सोचिए कि आप क्या चूज करेंगे, उस बंगले को चूज करेंगे या आपको मालूम है कि इसको अभी ठुकरा के मेरा जो आगे का प्लान है उसमें मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत, शौलत, बच्चियां, पप्पू पप्पू बच्चियां और दुनिया मेरे काबू में, कब्जे में सब आ जाए, आप क्या चूज करेंगे ये बताइए। वो सब कुछ कब्जे में चाहूंगा मैं। एग्जैक्टली। तो रसूलुल्लाह के साथ भी यही हुआ कि आप देखिए काम धंधा तो रसूलुल्लाह का था नहीं, जब हजरत खदीजा, वो तो मैंने हिस्ट्री में भी सुना है कि भी जो वो उनको कारोबार के लिए हजरत खदीजा के पास में भेजा गया था, तो किसी ने उनकी मतलब सिफारिश की थी कि भाई इनको रख लिया जाए, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि जब रसूलुल्लाह जो है वो खदीजा, हजरत खदीजा का जब उनको बिजनेस मिला संभालने के लिए, और जब तक खदीजा थी तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की और वो बिजनेस ही संभाल रहे थे, जब रसूल बने, जब नबी बने, तो ये बिजनेस विजनेस सब चले गया खड्डे में, खत्म, बिजनेस खत्म, अब काम धंधा बंद, अब किस पे चल रहा है पूरा मामला, लूट मार के माल पे, 11 काम धंधा है नहीं, 11 बीवियां कर ली। ओ भाई इधर इंसान को एक बीवी संभालने के लिए हालत खराब हो जाती है, यहाँ पे 11 बीवियां, फिर उसके बाद बच्चियां भी है, अपना उनकी खुद की जो बेटियां है वो है, लौंडियां है, तो ये खर्चा चला कौन रहा है, ये कहां से आ रहा है। बात तो आपकी मुझे बहुत काफी हद तक समझ में आ रही है, जब ही तो मैं आपसे फिर से जुड़ करके मैं आपसे बात करने का प्रयास किया करा है मैंने, कोशिश की है, तो शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे मतलब मेरे को फिर से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मैं आपसे चाहता हूँ कि भी मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँ, तो वो मेरे से कैसे होगा ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं पे है ना, चल रहा है। अच्छा, जब उसी पे व्हाट्सएप में हो जाएगी बात। जी ठीक जी है ठीक है। तो मैं एक चीज और मैं आपसे वो करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी असल में क्या है, मैं अल्लाह के नबी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा माहौल एक थोड़ा सा ऐसा मैंने आपको थोड़ा बताया था, जी जी तो मैं मतलब ज्यादा क्लियर नहीं बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मेरे मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, ये प्लीज ये रिपोर्ट नहीं कीजिएगा। तो अरे रिपोर्ट नहीं, आप लाइव है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था कि आपने कोई भी पर्सनल, इतनी पर्सनल नहीं बताना है कि लोग आपको मतलब पहचान सके कि ये बंदा है, ये आप लाइव अच्छा, है भाई, आपको लाखों लोग सुनते हैं। अच्छा, तो भाई मैं मतलब कुछ ऐसा हो गया मेरे घर में, उसमें जो है मुझे जाना पड़ गया, जैसे कब्रिस्तान जाना पड़ जाता है, जनाजे नमाज पढ़नी पड़ जाती है, तो मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ क्या बताएंगे, मुझे कुछ ऐसा कुछ सजेशन बताइए जिससे मैं हमने आपको, एडम साहब ने भी आपको लास्ट टाइम कहा था, मैंने भी कहा था कि फिलहाल अगर आप ऐसे माहौल में है, ऐसे एरिया में है जहां आसपास पूरा दीनी माहौल है या मुसलमान भरे पड़े हैं और आपका, आपको लोग मस्जिद में पहचानते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा मुनाफिकत इख्तियार करें, किसी को ये बताई नहीं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप किधर और सेटल हो जाएं, अपनी अपनी फैमिली को लेके,
बाहर कोई ऐसे एरिया में सेटल हो जाए जहां पे मस्जिदें वस्जिदें आसपास ना हो, ताकि कोई आपके पीछे नहीं पड़े, कोई ये ट्रैक ना करे कि भाई ये नमाज पढ़ने आता है नहीं आता है, ऐसा कुछ मामला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ आप कोशिश करिए। मगर साहिल भाई, कोई अपने अपने गैर मुस्लिम भाई भी जो है ना, काफी कट्टर होते हैं और वो मुसलमानों को भी वो करते हैं, मतलब नफरत करते हैं, बहुत से होते नहीं, हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए सबको होता है नहीं कह ना, रहा मुझे, हूँ, हाँ हाँ मैं सॉरी। समझ गया मैं आपकी बात, जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको उसका ही हाँ जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं घर बार छोड़ के निकला था तो मुझे घर भी नहीं मिल रहा था। चार लोगों ने मेरी फोटो देखकर, आधार कार्ड की फोटो देखकर रिजेक्ट कर दिया था घर देने के लिए। क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद मुसलमान है। आप देखिए कि जी अगर जो नॉन मोमिन इलाका है या सोसाइटी है, वहां पे अगर कोई मोमिन को अगर ये इजाजत देता है या घर जो है वो भाड़े पे या लेने के लिए देता है, तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे मोमिन जम जाते हैं। उसके बाद मोमिन जब जमते हैं तो वहां पे बकरा काटना शुरू कर देंगे, रास्ते में वो गंदगियां फैलाना शुरू कर देंगे, फिर सब मिलके एक हाँ मस्जिद खोल देंगे, फिर उसके बाद 5 टाइम फटी चर आवाज में जो है गल्ला फाड़ फाड़ के अजान देंगे। तो भाई आप सोचो कि कौन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, जी, बात सही है। है ना? तो उसकी अगर वजह है भाई। लेकिन ये आपकी बात सही है कि वो बाकी मुसलमानों के वजह से जो एक्स मुस्लिम्स है उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। जी, अब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके लिए अगर किधर आप सेटल होना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करके आपको किधर नॉन मोमिन एरिया में हम आपका बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डिपॉजिट डिपॉजिट का पैसा है, भाड़ा वाड़ा आप दे सकते हैं, तो हम स्पेशल सिफारिश करके कि भाई ये मोमिन नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं हम। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबान। तो अभी तो खैर मैं अपने परिवार और फैमिली के साथ में हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद मेरा कोई कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से अलग होना ही होगा, क्योंकि बच्चे भी हैं, तो जी उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, तो जी मैं जी जी सेटल। जब भी आपको जी जरूरत जी लगे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी 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 बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए, तो मैं बहुत इसी के शुक्रिया। साथ में आप शुक्रिया करता हूँ, और मैं एक बात और कहता हुआ चलूँ कि जी आपको भी काफी परेशानी आई होंगी, जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आई नहीं, सर अब भी मुझे परेशानी में ही हूँ। अब भी परेशानी में हूँ, खुल के जी नहीं अच्छा सकता हूँ, बहुत मुश्किलात है भाई। लेकिन ये है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ, तो इतना हाँ फर्क मुझे नहीं पड़ता, लेकिन देखा जाए तो बहुत बहुत परेशानियां हैं। हाँ हाँ परेशानियां तो बहुत है। मैं यही तो थोड़ा सा खौफजदा हूँ कि इससे जो है निकल करके किस तरीके से अपना को कैसे करना है, ये सब चीज नहीं है, नहीं क्योंकि आपको थोड़ा। देखिए, आप कोई चैनल तो, मेरी बात सुनिए आ साहब, आप कोई जी चैनल तो नहीं जी चला रहे, आपकी नहीं आइडेंटिटी तो है नहीं, है ना? नहीं तो नहीं आपको नहीं किसी को नहीं बताना नहीं है, आप सिर्फ एरिया चेंज करो, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वहां खुल के रहो आप। वहां कौन आपको अच्छा पूछने अच्छा आएगा कि अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, फॉलो हाँ, कर रहे नहीं ये कर रहे, बात है तो, ये बात तो ना है। मगर जब जी? तक फैमिली में है, जब तक इस समाज में मतलब रह रहा हूँ, जब तक मुझे थोड़ा मुनाफिकत, सही कह रहे हैं, आपको इख्तियार बिल्कुल करनी पड़ेगी, और कर भी रहा बिल्कुल, हूँ। हीरो नहीं बनना है, हीरो जी नहीं जी बनना है हीरो, बिल्कुल। क्योंकि अभी एक हाँ हमारे जो साथी और एक एक्स मुस्लिम अभी बीच में आए थे, तो जी, वो रहता है ना कि आदमी जब एक, उसको मालूम पड़ जाता है कि यार ये सारी चीजें गलत है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो बोलना शुरू करता है, स्टेटस पे अपनी भड़ास निकालना शुरू करता है। तो उनके साथ यही मामला, वो बता रहे थे कि मैं गाँव गया, वहां पे कुछ उन्होंने जो बात रखी मारिया किप्तिया को लेके, या हाँ जी अपना जो क्या कहते हैं उसको, लॉन्डियो को लेके, तो उन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, रखेल विखेल, तो उनकी जी धुलाई जी हो गई उधर, वो तो समझो कि अभी जान से मैं, नहीं मारे, बच गए। तो ऐसा हीरो नहीं हाँ बनना है हाँ अपने को। जी, अरे वो ऐसा होता है कहीं कहीं, मतलब जबान से निकल ही जाती, कोई जैसे करने लग जाता ना बात, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जबान से। तो एक साहब मुझे घूरने लगे, कहने लगे, यार तुम ये क्या कह रहे हो, कह रहे यार तुम्हें कुछ और समझ बैठेगा अगर इस तरीके की बात करोगे। मैंने कहा हाँ, वो सॉरी, बिल्कुल मेरे को जो डाउट हुआ मैंने कह दिया। तो फिर वो सॉरी वोरी करके मैंने थोड़ा सा उसको बात को टाल दी। तो कहने लगा, भाई लग रहा तुम
कुछ तुम बैठ के स्क्रीन के पास रहे हो, यूं कहने लगा हूँ मुझे। मैंने कहा भाई मैं बैठता हूँ सही सही लोगों के पास में। कहने लगे यार तुम कुछ बात तुम्हारी अलग सी मुझे महसूस फील हो रही है। कह रहे तुम कहीं, कहने लगे तुम जो है कुछ गड़बड़ कुछ चीजें पढ़ रहे हो या फिर गड़बड़ लोगों में बैठ रहे हो। कह रहे नबी की शान में और अल्लाह के बारे में तो कोई तसव्वुर आपको गलत रखना ही नहीं है। कह रहे भाई तौबा कर लो जल्दी से वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो मैंने तौबा तो नहीं करी मैं बस फिलहाल। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ही है कोई बात नहीं, वो मैंने मेरे को जो डाउट हो रहा था मैंने बता दिया आपको। तो कहने जी लगे भाई आइंदा मत बोलना मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने कहा करनी नहीं है कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो जो है वो मैं कहना चाह रहा था। अरे बेटा बच्चों एक ठीक मिनट, है। हाँ साहब आपके बच्चों की आवाज आ रही है, कहीं आप नाम वाम बच्चों का नहीं ले लेना गलती से। हाँ मीनवाइल जब तक हाँ साहब सेटल हो जाते हैं तो फैजू साहब का वेलकम है। फैजू बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अरे साहिल भाई, अरे ये क्या हाल थंबनेल चाल? कौन बना रहा है? ओ भाई कौन है ये थंबनेल बनाने छोटा छोटा वाला? गिरगिट अरे कहीं आत्महत्या ना कर ले। अरे ओ यार कितना परफेक्ट लग रहा है भाई, कितना परफेक्ट लग रहा है। ओ मैं लगा कहीं छोटे गिरगिट की फोटो आपको मिल गई खतरे वाली है। मैं तो यही सोचा कि जब छोटे गिरगिट का खतरा हो रहा होगा तो किसी ने फोटो खींच ली होगी और वो फोटो आपके हाथ लग गई। ओ भाई क्या एडिट करी है बंदे ने, क्या भाई थंबनेल बनाया भाई, मैं कहता हूँ इसे ऑस्कर देना चाहिए भाई। परफेक्ट अरे उसमें वो छोटे है। गिरगिट की खतना हो रही है लेकिन छोटे गिरगिट की हल्की हल्की दाढ़ी भी आई हुई है। भाई गजब यार गजब यार, क्या अरे सर थंबनेल है भाई। आपने तो जबरदस्त हंसा दिया फैजू भाई ने। अरे सही अच्छा यार हाँ फैजू भाई। अच्छा हाँ हाँ जी ये जो क्या कहते हैं आरपीसी कौन सा चैनल है, ये कोई जवाब तो दे नहीं पाता, इधर उधर की बात ना हाँकता है ये। मैंने इसका भी चैनल अरे में वो सुना हम था। लोग को हाँ साहब जब हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेस होता है ना तो नहीं अपने को कोई वीडियो देखना पड़ता है जिससे स्ट्रेस दूर हो जाए हंसी आ जाए थोड़ी। तो हमको जब ऐसा कुछ परेशानी होती है स्ट्रेस होता है तो वो हम क्या करते हैं छोटा गिरगिट का फोटो निकाल के वीडियो निकाल के देख लेते हैं। छोटा गिरगिट को देखते हैं तो थोड़ा हंसी आ जाती है और स्ट्रेस स्ट्रेस थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा ये गिरगिट का पूरा अरे पूरा विस्तार बताओ इसका, क्या बोले इसका पूरा पूरा गिरगिट का पूरा रंग रूप बताइए आप, किस तरीके से गिरगिट बनाया आपने, मतलब अरे बताना है वो आपको। आपको गालिब भाई की स्ट्रीम में जाना पड़ेगा और वहां पे क्योंकि उन्होंने ही नामकरण किया है छोटा गिरगिट का तो आपको उनसे प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी गालिब भाई से। अच्छा हाँ साहब आपसे गुफ्तगू काफी हो गई है, मोमिन से भी गुफ्तगू करना है क्योंकि मेन चीज ये है ठीक कि है कोई ठीक है मोमिन ठीक है, आ मैं जाए। निकलता हूँ। ठीक जी, है, अपना ओके ख्याल ठीक रखिएगा हाँ है साहब, सर। और अगर कुछ ऐसा जरूरत लगे आपको शिफ्ट होना है तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ कोशिश जी। करके आपको किधर सेटल करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया।